हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे जिस वीडियो में अपाचे 160 पुराना मॉडल और अपाचे 160 जो कि नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों बाइक्स में क्या कुछ अब आपको नया देखने को मिल जाता है, पुराने अपाचे के मुकाबले में नया अपाचे 160 में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाएगा, दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस समय अपाचे खरीदने की सोच रहे होंगे 160 सी सेगमेंट में, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि पुराना मॉडल भी कहीं कहीं शोरूम पे अवेलेबल होगा। तो आपको नया मॉडल लेना चाहिए या फिर पुराना मॉडल लेना चाहिए, पुराने मॉडल को लेने से आपको क्या फायदे होंगे, नए मॉडल लेने से आपको क्या फायदे होंगे, ये कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आप 160 अपाचे खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके पुरानी अपाचे 160 लेना चाहिए या फिर नई अपाचे 160 को लेना चाहिए। तो चलिए डिटेल बात कर लेते हैं क्या कुछ अब आपको नया देखने को मिलेगा, पहले क्या मिलता था अब आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट से बात करेंगे, यानी कि पुराने अपाचे में आपको क्या कलर मिलता था और नया अपाचे में आपको क्या कलर मिलती है। अगर आप पुराना अपाचे 160 लेते हैं तो इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिलता है, जिसमें पर्ल वाइट, ग्लॉस ब्लैक, ग्लॉस रेड, मैट ब्लू, टी ग्रे और मैट रेड शामिल है। लेकिन जो नया अपाचे अभी लॉन्च हुई है इसमें कंपनी 5 कलर ऑप्शन दे रही है, जिसमें मैट ब्लू, रेसिंग रेड, ग्लॉस ब्लैक, टी ग्रे और पर्ल वाइट शामिल है। तो एक कलर ऑप्शन नए अपाचे में कम कर दी गई है जो कि रेड कलर है। लेकिन वही डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग भी थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, नया ग्राफिक्स भी दिया गया है। पुराने अपाचे, नए अपाचे, दोनों अपाचे 160 को यहाँ पे देख सकते हैं, लुक थोड़ा बहुत ही चेंज किया गया है। बाकी जो साइड वाला पैनल है सेम एक ही जैसी है, सीट और ग्रेवरेल भी बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे टैंक पहले से थोड़ा सा ज़्यादा शार्पर हो गया है और यहाँ पे एक नया एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं टैंक के ऊपर, और ग्राफिक्स भी नया दिया गया है। इसके अलावा इसके हेड सेक्शन को देख सकते हैं, हेड काउल पहले जैसी है लेकिन जो हेड लैंप की डिजाइनिंग है वो अब चेंज कर दी गई है। नीचे आपको LED लाइट भी देखने को मिल जाती है, नया DRS आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको नया लुक देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इसका जो रियर टेल लैम्प है इसकी भी डिजाइनिंग कंपनी ने चेंज कर दी है। तो पहला आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके कलर और ग्राफिक्स में। तो आगे इंजन की अगर बात करते हैं कि इंजन में क्या कुछ बदलाव मिलेगा, तो इसकी पावर पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। जो अपाचे पुराना मॉडल है इसमें 159.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगा है। यही सेम इंजन आपको नया अपाचे 160 में भी मिल जाएगा, जो कि 159.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन इंजन दी गई है। लेकिन पुराने अपाचे की जो इंजन है वो 8400 RPM पर 15.53 PS का पावर, जबकि 7000 RPM पर 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी। लेकिन जो नया अपाचे आया है इसकी जो इंजन है 8750 RPM पर 16.04 PS का पावर, जबकि 7000 RPM पर 13.85 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि इसके जो पावर है पहले के मुकाबले में 0.51 PS बढ़ गई है, लेकिन जो टॉर्क है 0.05 Nm तक कम भी हो गई है। तो ये आपको इंजन में बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पहले की तरह ही 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाता है, यानी कि पुराना अपाचे 160 और नया अपाचे 160 दोनों में 5 स्पीड तक गियर बॉक्स दिया गया है, और दोनों में केवल आपको इलेक्ट्रिक स्टार्टर मिलेगा, किक स्टार्टर दोनों में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये आपको इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी टायर साइज में भी थोड़े से आपको अंतर देखने को मिलेंगे। जो अपाचे 160 पुरानी मॉडल है इसमें आपको फ्रंट के साइड 90x90 का 17 इंच और रियर में 110x80 का 17 इंच का टायर मिलता था, लेकिन जो नया अपाचे आई है इसके रियर टायर को चेंज कर दी गई है। अब 120 सेक्शन का आपको इसमें टायर मिलेगा, यानी कि 120 mm का अब टायर रियर के साथ देखने को मिल जाती है। लेकिन जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में सिमिलर दी गई है, पहले भी आपको फ्रंट के साइड डिस्क ब्रेक और रियर में डिस्क और ड्रम का ऑप्शन मिल जाता था, अब भी आपको फ्रंट के साइड डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम और डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहीं इसके वेट की अगर बात करें तो कंपनी ने पुराने मॉडल के मुकाबले में नए मॉडल में इसकी वेट 2 kg तक कम कर दी है। जो पुराना मॉडल ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ आती थी अपाचे, उसके जो वेट था 139 kg था, जो नया है 2 kg अगर वेट कम हो गया है तो 137 kg तक इसका वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। इसके अलावा फीचर्स की बात करें कि फीचर्स में कितने आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे, तो पुराने अपाचे 160 में आपको हैलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRS देखने को मिल रही थी, लेकिन जो नया अपाचे 160 आई है इसमें नए डिजाइनिंग की हेडलैम्प LED हेडलैम्प लगी हुई है, जिसमें LED DRS भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पुराने अपाचे 160 में आपको टेल लैम्प की डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग थी, LED टेल लैम्प पहले भी था, अभी भी आपको LED टेल लैम्प मिलता है नए अपाचे में, और लेकिन यहाँ पे टेल लैम्प की डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। पुराने अपाचे 160 में आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिल रही थी, लेकिन अब आपको इसकी जो कंसोल है पहले से चेंज हो गई है, फुली डिजिटल डिस्प्ले दे दी गई है, जिसमें आपको वॉइस असिस्ट का फीचर मिल जाता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट दी गई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है, जिसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन, गियर पोजिशन एंड शिफ्ट इंडिकेटर, कॉल एंड SMS अलर्ट, कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो मीटर कंसोल भी चेंज कर दी गई है,
इसके अलावा पुराने अपाचे में आपको कोई भी राइडिंग मोड नहीं मिल रही थी, लेकिन नए अपाचे 160 में आपको 3 राइडिंग मोड भी मिल रहा है, जिसमें स्पोर्ट, अर्बन और रेंज शामिल है। इसके अलावा नए अपाचे में एक चीज़ और भी चेंज की गई है, इसमें आपको एक्स रिंग चेन मिल जाती है, तो ये आपको थोड़े से बदलाव मिल जाएगा। तो फीचर्स में लगभग यही कुछ बदलाव किए गए हैं, बाकी दोनों में आपको सिंगल पीस सीट मिल जाती है, रियर में ग्रेवरेल दिया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम पहले जैसी है, एलॉयस की डिजाइनिंग में पहले जैसी है। लेकिन वही बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइस भी पहले से थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो पुराने अपाचे 162B के एक्सरूम दिल्ली में प्राइस ड्रम ब्रेक वेरिंग के साथ 1,13,740 यानी कि 1,13,740 रुपये तक है, तो वही डिस्क ब्रेक वेरिंग के साथ 1,16,740 यानी कि 1,16,740 रुपये तक थी। तो ये पुराने अपाचे 160 का प्राइस है। लेकिन वही नया अपाचे जो लॉन्च हुई है, इसकी जो एक्सरूम प्राइस है ड्रम ब्रेक वेरियंट राइडिंग मोड के साथ एक्सरूम 1,17,790 यानी कि 1,17,790 रुपये तक है, तो वही डिस्क ब्रेक राइडिंग मोड के साथ आपको 1,21,290 यानी कि 1,21,290 रुपये के एक्सरूम प्राइस मिल जाएगी। लेकिन वही जो इसका टॉप एंड मॉडल है, जो कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आती है, डुअल डिस्क राइडिंग मोड और स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ जो मिलती है, उसकी एक्सरूम प्राइस 1,24,590 यानी कि 1,24,590 रुपये तक है। तो यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा वेरिएंट आपको नया अपाचे में देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। बाकी इसके बेस वेरिएंट से अगर कंपेयर किया जाए तो ड्रम ब्रेक वेरिएंट के प्राइस में इनके 4,000 रुपये तक बढ़ोतरी नए अपाचे में देखने को मिल रही है, तो ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ इसके प्राइस में बढ़ोतरी लगभग 4,500 रुपये के नए अपाचे में देखने को मिल रही है। और एक्स्ट्रा आपको एक वेरिएंट जो कि टॉप एंड मॉडल आता है, वो आपको नए अपाचे में देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये आपको डिफरेंस मिल जाते हैं पुराने अपाचे और नए अपाचे 160 में, क्योंकि हो सकता है दोनों ही आपके नज़दीकी शोरूम पे अभी अवेलेबल हो। तो अगर ऐसे में अगर आप अपना 4,000 से 4,500 रुपये तक बचाना चाहते हैं, तो आप जो पुराना मॉडल है अपाचे 160 का ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा नया लुक आपको नया अपाचे में मिल जाएगी, ग्राफिक्स नहीं मिल जाएगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, अपाचे वाली वही फील चाहिए, तो आप पुराने अपाचे को भी साथ जा सकते हैं, जिससे कि आपका 4,000 से 4,500 रुपये तक बच सकता है। दोनों BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, तो इंजन में आपको ज़्यादा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन पावर थोड़ी सी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। तो ये कंप्लीट आपको मैंने आपको जानकारी दे दिया है कि अपाचे 160 जो पुराना मॉडल है और अपाचे 160 जो नया मॉडल है, इसमें क्या अंतर है, कि आपको चेंजेस देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप डिसाइड आप कर सकते हैं कि आपको अभी जाकर पुराना मॉडल लेना है या फिर नया मॉडल लेना है, ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होती है तो उसकी प्राइस जो करेंट मॉडल होता है उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं कंपनी इसकी प्राइस 4,000 से 4,500 रुपये तक बढ़ा दी है। अगर आप ये पैसे बचाना चाहते हैं तो आप करेंट मॉडल को भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।